हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। YCTC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका मैं मुकेश वर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम क्विज की क्लास कर रहे थे जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। तो हमने चार चैप्टर खत्म किया था, आज का पांचवा चैप्टर हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका से संबंधित जो जो सवाल हैं उसको हम लोग आज हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि संविधान एवं संविधान के उद्देशिका से पहला सवाल क्या है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले कि आज की क्लास स्टार्ट हो, आप सबसे एक बार फिर से विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि इस प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू कर सके। जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर नहीं करेंगे, तो हम इसको करा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग के ऊपर भी प्रेशर होता है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके जुड़ पाए और इस कार्यक्रम का फायदा उठा पाए। इस श्रृंखला में हम लोग पूरी की पूरी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं वो या तो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो कहीं ना कहीं अधीनस्थ सेवा आयोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पांचवें चैप्टर का उद्देशिका का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है, सवाल कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखता। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है कि जैसा कि कोई अन्य भाग। इसके अलावा डी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो देखिए, उद्देशिका के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि भारतीय संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो आप सबको पता होगा, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, संविधान की उद्देशिका के बारे में। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कब किया गया था, 13 दिसंबर को उद्देशिका को पहली बार संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उद्देशिका को 13 दिसंबर को संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक हुई थी तो उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक है, उद्देशिका के प्रस्ताव को किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कभी कभी सवाल पूछता है कि उद्देशिका का जो विचार है, जो हमारे संविधान में उद्देशिका शामिल किया गया है, उसको किस देश के संविधान से लिया गया था, तो उद्देशिका को USA, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ये चीजें क्लियर है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया, हमेशा याद रखिएगा। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखता। ठीक है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को आराम से पढ़िए, क्या कह रहा है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो यही ऑप्शन सही है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ये किसमें कहा गया है, 1973 के केशवानंद भारती केस में भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किस केस में, केशवानंद भारती के केस में पहली बार यह कहा गया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस कब का है, 1973 का है, जिसमें यह कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो क्या सही हो जाएगा कि उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, पहला कथन कि भारत का संविधान अपने ढांचे को, अपने मूल ढांचे को संघवाद, निरपेक्षवाद, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का तो कोई जिक्र, सॉरी, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया, मूल अधिकार का। ठीक है, तो जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो क्या उसमें कभी आप मूल अधिकार पढ़ते हैं, मूल अधिकार नहीं पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपका कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था तो करता है,
हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन को आर्टिकल 13 के साथ, आर्टिकल 32 के साथ, आर्टिकल 132 के साथ, आर्टिकल 133 के साथ मिला के जब पढ़ते हैं और देखते हैं उसके बारे में क्या क्या प्रोविजन किया गया, तो निकल के आती है न्यायिक पुनरावलोकन की चीजें। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य क्या है कि कार्यपालिका विधायिका द्वारा जो भी विधियां या कानून बनाई गई हैं और कार्यपालिका जो उनका इंप्लीमेंटेशन करवाता है तो वो उचित ढंग से लागू हो रही क्या नहीं उसका अधीक्षण करना, ठीक है, उसका सुपरविजन करना ही क्या कहलाता है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो देखिए इसमें पहला तो आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? पहला इसलिए गलत हो गया क्योंकि मूल अधिकारों की बात मूल ढांचे में नहीं किया गया है, मतलब प्रस्तावना में नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिस पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ गया है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो सवाल कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। पहला कह रहा है यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा कि जो उद्देशिका है या संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, तो इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता या किसी भी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इसको लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, आप डीपीएसपी के बारे में जब पढ़ते हैं, ठीक है, डीपीएसपी के मतलब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी वाद योग्य नहीं है, ठीक है, जो भी हम लोग नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ते हैं वो भी इनफोर्सेबल नहीं है। जब राज्य के पास संसाधन होंगे तो राज्य कल्याणकारी काम करेगा, लेकिन वो इसके लिए फोर्सेबल नहीं है कि उसको करना ही पड़ेगा, वो संसाधनों पर निर्भर है, समझ में आ रही चीजें। तो जो डीपीएसपी है या नीति निर्देशक तत्व है उसको भी हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं, ठीक है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ओके, लागू नहीं कराया जा सकता। तो इसका क्या सही हो जाएगा, यह लागू नहीं किया सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए, बाकी कहीं संविधान की व्याख्या में अगर कठिनाई आ रही है तो वहां पर प्रस्तावना का सहयोग लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ गया है, देखिएगा क्या कह रहा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया, ठीक है। पहला कथन कह रहा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, कह रहा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो प्रस्तावना में ये बातें लिखी हैं, तो कथन एक तो सही हो गया। कारण कह रहा है इट वॉज सबमिटेड बाय द दिस अमेंडमेंट, तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। कथन एक कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, कथन एक ये कह रहा है। तो ये आप तो प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण कह रहा है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, तो सही है, प्रतिस्थापित किया गया है उसके स्थान पे, ठीक है। तो दोनों कथन और कारण सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कह रहा है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का
जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पे असर था, भाई स्वाभाविक सी बात है, प्रस्तावना का तो पूरे संविधान पे असर है। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मैंने आपको बताया कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया, अगर आपसे सवाल पूछे तो आप बताएंगे कब प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। तो फ्रेंड्स, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया है। पहली बैठक संविधान सभा की अगर पूछे कब हुई थी तो 9 दिसंबर को हुई थी। दूसरी बैठक पूछे तो 11 दिसंबर को। और इसी 11 दिसंबर को ही अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, इसके अलावा ये जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था इसी को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। क्लियर है चीजें? तो इसमें क्या सही हो जाएगा कि इस प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण पर असर था। तो प्रस्तावना का संविधान के निर्माण पर असर था, यही इसका सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है स्क्रीन पे। कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कहां आया? बीपीएससी प्री एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मतलब बिहार पीसीएस के प्री एग्जाम 1994 में सवाल पूछा गया। क्या कह रहा है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, मतलब दिखाई पड़ता है लौकिक रूप से। ठीक है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? तो आप सबको पता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो कहां से शुरू होता है? हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि भारत की प्रस्तावना किससे स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग से। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया स्क्रीन पे। देखिएगा क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सवाल कहां पूछा है? यूपीपीसीएस जीएस सेकंड पेपर 2007 में पूछा है, उत्तराखंड के पीसीएस प्री एग्जाम 2014 में पूछा है। सवाल कह क्या रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अभी इसके पहले हमने चर्चा किया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित अवतरण में आपको बताना है कि हम भारत के लोग, देखिए प्रस्तावना पे ही सवाल आ गया, पूरी प्रस्तावना लिख के आई है, पढ़िएगा पूरी प्रस्तावना आप सबके सामने। प्रस्तावना पढ़िए पहले। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये भी सवाल अभी आगे मिलेगा आप सबको, यही से सवाल बनते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार की न्याय की चर्चा होगी? 3 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा कर रहा, देखिएगा। न्याय 1 हो गया, अभिव्यक्ति 2 हो गया, विश्वास 3 हो गया, धर्म 4 हो गया और उपासना 5 हो गया। तो 3 प्रकार के न्याय की और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा करता है। ठीक है, क्लियर। प्रतिष्ठा और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बलता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, तो आज XHS द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया। तो यही डेट पूछ रहा कि किस डेट को अंगीकृत किया गया। तो आप सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 को HS द्वारा आत्म अर्पित किया गया था। क्लियर है, तो डेट वही पूछ रहा है। आइए देखते हैं, देखिए किस डेट में किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को इसको हमने आत्मर्पित किया था या अंगीकृत किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बन के पूरा हुआ था। ठीक है, कितने समय में पूरा हुआ था? तो संविधान बन के आपका 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में पूरा हुआ था। ठीक है,
18 दिन में पूरा हुआ था। क्लियर है बात? आइए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया। हम नवा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके पहले एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार धन्यवाद चैनल को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। लक्ष्य है अगले एक हफ्ते में हमको 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करना, हर हाल में पूरा करना है, और आप लोग के साथ की वजह से पूरा हो पाएगा। जैसे ही आप लोग हमारा साथ देना चालू करेंगे, इसकी पूरी क्लासेस फ्री लेके मैं आप सबके सामने आऊंगा, पूरी की पूरी पॉलिटी आपको फ्री में पढ़ाई जाएगी, शुरुआत से पढ़ाई जाएगी। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, इसके बाद एक एक चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी, जो कि हर एग्जाम के लिए, चाहे पीसीएस का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे लेखपाल का हो, हर एग्जाम में वो पॉलिटी आपको काम देगी। तो प्लीज चैनल को एक बार धनादन शेयर कर दीजिए दोस्तों, धनादन शेयर करिए। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया? सवाल यह कर रहा कि भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय की चर्चा कहां पे की गई है। तो देखिए आपके सामने पहला विकल्प है उद्देश्य का और मूल अधिकार में, ठीक है। तो मूल अधिकार में आप कहीं पे पढ़ते हैं? मूल अधिकार में आपने कहीं पे आर्थिक न्याय का जिक्र पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। इसके अलावा कह रहा मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जब मूल अधिकार में नहीं पढ़े हैं तो ये भी कट गया, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी कट गया। तो उद्देश्य का में आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आर्थिक न्याय की बात? अभी मैंने बताया था सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा कहां की गई है, प्रस्तावना में। इसके अलावा सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी के लिए निर्वाह मजदूरी, बाकी चीजें भी तो हम लोग पढ़ते हैं कहां पे, नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है आपकी स्क्रीन पे। सवाल कह रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का मतलब प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य क्या है, क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति प्रतिष्ठा। कह रहा नीचे दिए गए कूट में से कौन सा उत्तर सही है, 1 और 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और सभी चारों। तो सभी चारों सही है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। सभी चार क्यों सही है? हमने आपका अभी इसके पहले जो प्रस्तावना पढ़ रहे थे, जो सवाल पूछा था, उसमें क्या लिखा था? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो दोनों न्याय की चर्चा की ही गई है। विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की भी चर्चा की गई, अवसर और की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो सभी चारों क्या है, सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी चारों। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय। अभी मैं जब इसके पहले प्रस्तावना पढ़ रहा था तो मैंने ये सवाल हाईलाइट किया था, फिर से देख लीजिए, भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, 3। कौन कौन से न्याय की चर्चा की गई है? सामाजिक, ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो इन 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसके अलावा भ्रातृत्व समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की समानता की चर्चा की गई है, और भ्रातृत्व की मतलब की 1 प्रकार की। तो 3, 5, 2 और 1, ठीक है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, 3 प्रकार के न्याय की, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की, 2 प्रकार के समानता की चर्चा की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 3, 5, 2, 1 सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स देखिए अगला सवाल आ गया स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है।
भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई। अभी हमने पढ़ा कि भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, तो जल्दी से ऑप्शन देखिए कि कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है और इसका जवाब दीजिए। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई, ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार की, बी है 3, सी है 1 और डी है 4। तो आपने पढ़ा अभी कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है, तो फ्रेंड्स 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। ठीक है, कौन कौन से वो 3 प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के जो न्याय हैं उनमें आपका पहला है सामाजिक न्याय किया जाएगा। ठीक है, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है राजनीतिक न्याय किया जाएगा, मतलब सबको समान वोट देने का अधिकार होगा, सबके वोट का मूल्य एक होगा। इसके अलावा सभी के साथ आर्थिक न्याय किया जाएगा, ये किसमें चर्चा की गई है, तो प्रस्तावना में, मतलब सरकार सभी को संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। तो हमारी प्रस्तावना में इन 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है आपकी स्क्रीन पे, 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। यूपी लोअर पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया है। सवाल क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। कह रहा है कि सामाजिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है, राजनीतिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है, आर्थिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है, या फिर धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा उल्लेखित नहीं है पूछ रहा है। तो कौन कौन से उल्लेखित है अगर आपको ये पता है तो आप अपने आप जान जाएंगे कि कौन सा उल्लेखित नहीं है। तो आप सबको पता है कि 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय है, तो वो 3 प्रकार के न्याय है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। लेकिन कहीं पे भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है, तो इसका उत्तर क्या है, डी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, मतलब कि किस फ्रीडम का वर्णन नहीं किया गया है हमारे संविधान में, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, कहां आया है, यूपीपीसीएस में जीएस सेकंड पेपर 2008 में ये सवाल पूछा गया। सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए एक बार। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ते हैं प्रस्तावना में, कौन कौन सी स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता पढ़ते हैं, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता आप पढ़ते हैं, विश्वास की स्वतंत्रता पढ़ते हैं, लेकिन कहीं पे भी भारत के संविधान के प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। किसकी बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्या कह रहा सवाल, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, शामिल नहीं है, ये सवाल कह रहा। पूछा कहां गया ये देख लीजिए, आईएएस प्री एग्जाम 2017 में सवाल आया है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर विश्वास की स्वतंत्रता। तो सारी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहीं पे नहीं किया गया। किसका किया गया है, आर्थिक न्याय का किया गया है। इसके पहले भी ये सवाल अभी पूछा गया था, ठीक है, लेकिन ये सवाल रिपीट हुआ कहां पे, आईएएस प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी अगर आपसे पूछे कि आर्थिक स्वतंत्रता है, नहीं, आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। इसीलिए तो जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल था उसको हटा दिया गया और 300 का में जाके शामिल कर लिया गया है, याद है ना, संशोधन करके। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्लासेज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी,
जितने चैप्टर हैं पॉलिटी में, क्विज में, टोटल हमारे पब्लिकेशन में 51 चैप्टर हैं, सबका सब हम आपको सॉल्व कराएंगे। लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास प्रसारित करिए, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो भी आपके जानने वाले दोस्त हैं, ठीक है, रिश्तेदार हैं, उनके पास चैनल को शेयर करिए और उनसे बताइए कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सारे आए हुए क्वेश्चन को हम 51 चैप्टर में डिवाइड करके पूरा की पूरी भारतीय राजव्यवस्था आप सबको मैं सॉल्व कराने चल रहा हूँ। इसके बाद पूरी की पूरी भारतीय राजव्यवस्था मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक एक थ्योरी पढ़ाई जाएगी, भाग पढ़ाए जाएंगे, अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे, अनुसूचियाँ पढ़ाए जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है, हर चीज़ को जो भी संविधान में दिया गया है, जो भी संविधान में शामिल है, सारे चीज़ों का प्रॉपर नोट्स बनवा के मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, पहले आप लोग इसको हिट करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए, एकदम तूफान ला दीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कह रहा कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 ईस्वी में लागू किया गया, तो मूर्ख बना रहा है ये, बताओ, ये सवाल है मूर्ख बना रहा हमको, लेकिन हमको मूर्ख बनना नहीं है। सवाल कह रहा है देखोगो, ध्यान से देखो, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 ईस्वी में संविधान के अंग थे। अरे प्रभु चोंगा मत बनिए, ठीक है, क्यों ना बनिए, ये देखिए कि 42वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, 42वां संशोधन किया गया कब, 1976-77 में, और उस समय समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया, 1976-77 में, और ये हमको मूर्ख बना रहा है, लिख रहा है कि 1950 में जोड़ा गया, तो क्या होगा, ये तो सही नहीं होगा। फिर कह रहा है उक्त शब्द 1977 ईस्वी में जोड़ा गया, तो यही तो सही होगा। तो अगर क्वेश्चन अपने को बेवकूफ बनाए तो बनना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखना है, ठीक है, सवाल का आधा उत्तर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना ही होता है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिए तो 80% सवाल आप सॉल्व कर लिए, ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, देखिए ध्यान से देखना है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है, ठीक है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु बीच में हो गया, ठीक है, या फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु बीच में हो गया। तो संप्रभु शुरू में होता है, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि समाजवादी, प्रजातांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष शब्दों को सही से अरेंज करिए, ये सवाल कह रहा है, ठीक है, सही से अरेंज करिए। तो किस तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा हुआ है, देखिए फिर से निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, सही शब्दों को विचारा अनुसार क्रम दीजिए, ठीक है, कि किस प्रकार से होना चाहिए। तो आपने पढ़ा पहले समाजवादी कि पहले प्रभुत्व संपन्न, अभी इसके पहले आया था, पहले हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न, क्या सबसे पहले लिखा जाएगा, प्रभुत्व संपन्न मतलब सी सबसे पहले होगा, यहाँ पे सी सबसे पहले है, ठीक है, इसके बाद आता है क्या, समाजवादी, तो ए इसके बाद है, ए यहाँ पे इसके बाद है, फिर आता है पंथ निरपेक्ष, तो
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, मतलब डी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे है और सबसे लास्ट में हो जाएगा बी, तो क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। सवाल क्या कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमने अंगीकृत किया था, अपनाया था, उसमें कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। फिर देखिए ये हम लोग को फिर बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा, लेकिन अपने को बेवकूफ बनना नहीं है, होशियार साबित करना है और बताना है कि हम लोग होशियार हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, मतलब कि कौन से ऐसे शब्द थे जब ये संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को तो संविधान में शामिल नहीं थे बल्कि बाद में जोड़े गए। तो आप सबको पता है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ठीक है, अखंडता, ये तीन शब्द आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही तीन जोड़े गए थे, गणराज्य पहले से था, तो क्या सही हो जाएगा? एक, दो और तीन। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? 26 जनवरी 1950 को, ध्यान से पढ़िए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य। देखिए ये चीजें तो बाद में जोड़ी गई थी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया, तो इसका मतलब ये है कि 1950 में तो ये स्थिति नहीं थी। इसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भी तो कह रहे हैं 1976 में जोड़ा गया, तो ये भी नहीं सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शुरू में यही था, बाद में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष उसमें जोड़ा गया। तो सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। पहला कह रहा संसदात्मक सरकार, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ संसदात्मक सरकार है, संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था आपका ब्रिटेन से अपनाया गया था। क्लियर है? अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ पे होते हैं? यूएसए में होते हैं। भारत में अध्यक्षीय सरकार अपनाई गई है कि संसदीय? तो संसदीय अपनाया गया, अध्यक्षीय नहीं अपनाया गया। तो सवाल कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो अध्यक्षीय प्रणाली हमारे यहाँ की नहीं बल्कि यूएसए की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में पाई जाती है। संघात्मक सरकार, पहले अनुच्छेद में आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 1 में क्या पढ़ते हैं? आप आर्टिकल 1 में ही पढ़ते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया डेट इज भारत, डेट इज भारत, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया डेट इज भारत सेल बी, ठीक है, सेल बी स्टेट ऑफ यूनियन, ठीक है, स्टेट ऑफ यूनियन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया
मतलब कि इंडिया डेट इज भारत, जो कि भारत है, सेल भी मतलब होगा स्टेट ऑफ यूनियन, राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, किसमें कहा गया है? आर्टिकल 1 में ये कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा अनुसूची 1 में भी संघ और उसके राज क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। और ये जो स्टेट ऑफ यूनियन कहा गया, ये जो यूनियन लिया गया संघात्मक व्यवस्था, ये कहां से हमने लिया है? तो कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से लिया। क्लियर है चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 आप सबके सामने है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा सवाल। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कह रहा भारत के संप्रभुता, ठीक है, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, सही बात है, हम लोग कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन भी करते हैं तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, जी नहीं। तो राष्ट्रमंडल के सदस्य कौन से देश हैं? ऐसे जो देश जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, उन्होंने अपना एक कॉमनवेल्थ, एक राष्ट्रमंडल बनाया था, ठीक है, तो उसमें भारत भी आजादी के बाद शामिल हो गया था, लेकिन उसके राष्ट्रमंडल में शामिल होने से उसकी संप्रभुता पे कोई खतरा नहीं आया, बल्कि उसकी संप्रभुता कम नहीं हुई है, ठीक है। मतलब क्या होता है इस शब्द को पहले जान लीजिए। संप्रभुता, कई बार आप सुनते होंगे कि संप्रभुता किसे कहते हैं? संप्रभुता उसे कहते हैं, कोई राष्ट्र तब संप्रभु कहा जाता है जब वह अपनी गृह, ठीक है, गृह वह बाह्य नीति का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हो। नीति का निर्धारण, ठीक है, खुद करें, खुद करें। तो जब कोई देश अपनी गृह व बाह्य नीति का निर्धारण खुद करे, मतलब कि किसी और राष्ट्र का उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना रहे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संप्रभु कहते हैं, ठीक है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जो कि अपनी गृह नीति का और अपनी विदेश नीति का संचालन स्वयं करता, किसी के दबाव में नहीं करता। औपनिवेशिक देश कौन से होते हैं? जहां के गृह नीति का संचालन कोई और करता। तो भारत पहले एक उपनिवेश था, जब अंग्रेजों का गुलाम था तो भारत एक उपनिवेश था। क्यों उपनिवेश था? क्योंकि भारत के लिए जो नीतियां बनती थी वो अंग्रेज बनाते थे, अंग्रेज के संसद से बन के आती थी, चाहे वो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रहा हो, पिट्स इंडिया एक्ट रहा हो, 1813 का चार्टर एक्ट रहा हो, 1833 का एक्ट रहा हो, या फिर 1858 का रहा हो, भारत शासन अधिनियम 1909 रहा हो, 1919 रहा हो, 1935, ये सब कहां से बन के आए थे? ब्रिटेन से ही तो बन के आए थे, वहां के संसद ने बनाया था। तो मतलब कि उस समय भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि वो अपने नीतियों का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता था, लेकिन आजादी के बाद भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो गया, क्योंकि वह अपने गृह नीति और अपने बाह्य नीति का निर्धारण स्वयं करता है, ना कि किसी देश या राष्ट्र के दबाव में करता है। क्लियर हो गई चीजें? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, केवल 1, ठीक है, बी नहीं सही है। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है, आप लोग देख रहे होंगे। सवाल क्या है पहले ध्यान से पढ़िए। सवाल कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? सवाल ये कह रहा है कि किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय, यूपीपीसीएसपी जीएस 2012 में सवाल पूछा गया है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो कह रहे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, नहीं। बनारसी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, कहीं नहीं। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये 1994 का मामला है, बम्बई बनाम स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसमें इस बात को माना गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। और इसके पहले 1973 में केशवा नंद भारती के केस में भी ये माना जा चुका है कि जो संविधान की उद्देशिका है वो संविधान का
अंग है, तो इससे पहले 1973 के केस में माना गया था, फिर 1994 केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि वो देश का संविधान का भाग माना जाएगा। क्लियर हो गई चीजें, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 आप सबके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम मतलब पहली बार घोषित किया कि वो देश का संविधान का हिस्सा नहीं है, वो देश का संविधान का हिस्सा नहीं है, ये किस वाद में घोषित किया गया था। यूपीपीसीएस मेंस 2017 के जीएस सेकंड पेपर में ये सवाल पूछा हुआ है। तो सवाल ये कह रहा है कि किस वाद में किस मुकदमे में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया था कि वो देश का संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रहा है बेरुबारी के केस में, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या फिर केशवानंद भारती। आप सबको पता होगा कि जो बेरुबारी का केस था 1960 में, तो इस केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, लेकिन इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती के केस में, इसके अलावा 1994 में ठीक है जो 52 मई वाला केस था, इन दो केसों में ये माना गया कि जो उद्देश्य का है वो संविधान का भाग है। तो अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा था कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, तो 1960 के बेरुबारी केस में ये कहा था, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस हो या 1994 का केस हो, दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उद्देश्य का संविधान का ही भाग है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 आप सबके सामने स्क्रीन पे है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। UPPCS 3GS 2015 में सवाल पूछा गया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया। तो इसके पहले भी मैंने चर्चा किया था कि उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया, जो हमने पहला क्वेश्चन कराया था तभी बताया था कि भारत में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार हमने लिया है यूएसए अर्थात अमेरिका से ही हमने और क्या लिया है, तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार को भी अपने संविधान में शामिल किया है, ठीक है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को भी हमने कहां से लिया हुआ है, यूएसए से। इसके अलावा जो हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका इसको हमने शामिल ही किया है, जो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर जो होता है तीनों सेनाओं का सेनापति, ठीक है, तो ये भी हमने कहां से लिया हुआ है, यहीं से लिया है अमेरिका से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने अमेरिका से लिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है, 26 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 26 आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है राज्य के निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका उद्देशिका। तो जो उद्देशिका है उद्देशिका को ही हम संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा माना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा माना है, तो जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32 संवैधानिक जो उपचार हैं उसी को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। इसके अलावा अगर ओवरऑल पूछे किसको माना जाता है, तो उद्देशिका को माना जाता है। अगर नाम लेके पूछ ले कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको माना है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है, सवाल नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है।
मतलब कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कैसे मालूम होगा? यूपीपीएससी जीएस के एग्जाम में 2005 में सवाल पूछा हुआ है। तो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, अनुसूची या राज्य के निर्देशक तत्व। तो भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य कहां पे लिखा? संविधान की प्रस्तावना में लिखा, ठीक है। कब जोड़ा गया पंथनिरपेक्ष? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये जो पंथनिरपेक्ष शब्द है या धर्मनिरपेक्ष, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा, 1976-77 में, ठीक है, याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 28 आप सबके सामने स्क्रीन पे है। सवाल कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दे दीजिएगा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? यूपीपीसीएस मेंस के जीएस एग्जाम 2005 में सवाल पूछा गया है। सवाल क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कि भारत में अनेक धर्म है, ठीक है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या फिर भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसका तात्पर्य यह है कि जो भारत राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी विशेष धर्म को ना तो बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म को डाउन करने का प्रयास करेगा, तो वो सभी धर्मों को समान अवसर देगा कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर पाए। तो इसका मतलब यही है कि भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, ठीक है, बल्कि सभी धर्मों को समान निगाह से देखा जाएगा, समान एनवायरमेंट दिया जाएगा, ताकि वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर पाए। क्लियर है चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29, सवाल 29 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु राजनीतिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, ठीक है। तो किसने जन्म कुंडली कहा? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम 2013 पूछा गया है। फिर से सवाल पढ़िए। ये जो निम्नलिखित में से, मतलब जो नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? जवाहरलाल नेहरू ने जी नहीं, वल्लभ भाई पटेल ने जी नहीं, भीमराव अंबेडकर ने जी नहीं, के एम मुंशी ने कहा, ठीक। तो के एम मुंशी ने क्या कहा है? के एम मुंशी ने जो संविधान की प्रस्तावना है उसको हमारे संप्रभुता का, प्रजातांत्रिक गणतंत्र का जन्म कुंडली कहा है। मतलब यही है जिसकी वजह से यहाँ पे लोकतंत्र है और हम संप्रभु है, वो प्रस्तावना के कारण है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 आप सबके सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा क्या कह रहा है। 30 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो किसमें मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ये सवाल पूछा यूपी लोअर एग्जाम जीएस 2013 में। तो सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे शब्द की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इंदिरा सानीवाद में जी नहीं, शंकर प्रसाद में जी नहीं, रुदल शाह में जी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किसने किया गया था मूल ढांचे की चर्चा? तो 1973 के केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है, 1973 के केशवानंद भारतीवाद में इसकी चर्चा की गई थी। तो अगर आपसे पूछे मूल ढांचा के अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया, तो 1973 में केशवानंद भारती के केस से मूल ढांचा के अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंग के रूप में निम्नलिखित में से किस वाद में स्वीकार किया गया? गोपालनवाद में जी नहीं, गोलकनाथ में जी नहीं, मिनरवा में जी नहीं, तो केशवानंद भारती के वाद में 1973 में इसको स्वीकार किया गया था। हमने अभी इसके पहले पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से एक नहीं है। यूपीए एलडीए एग्जाम 2010 में सवाल पूछा गया है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, हेड सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित हो। सवाल कह रहा है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो कौन सा एक नहीं है? यही नहीं है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान
व्यक्ति में निहित हो, ठीक है, तो यही नहीं है बाकी सब है, तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 आप सबके सामने है, दो कथन और कारण दिए हैं, उस पर विचार करना है। कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भैया भारत एक लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है, आप बताइए। है तो ठीक है, सही है। फिर आगे देखिए, कारण, भारत का एक अपना संविधान है, तो भारत का एक अपना संविधान तो ही है, इसमें क्या गलत है? ये भी सही है। कह रहा है ये कथन है और ये कारण है, अपने अपने जगह पे दोनों सही हैं, लेकिन जब आएगी बात व्याख्या की तो व्याख्या नहीं सही होगी। क्यों? भारत एक लोकतांत्रिक देश इसलिए है कि भारत में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, जनता का एक वोट है, जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, तो इसलिए लोकतांत्रिक देश है, ना कि इसलिए कि भारत का एक अपना संविधान है। जरूरी नहीं जहां पे संविधान हो वहां पे लोकतंत्र हो, ठीक है, राजाओं का भी तो अपना एक संविधान होता है लेकिन वहां पे राजतंत्र होता है, तो ये चीज जरूरी नहीं। हाँ, ये कारण जरूर सही दिया है कि भारत का अपना एक संविधान है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 34 आप सबके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था है, तो सही बात है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य, ये भी सही बात है, ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, तो ये भी सही बात है, भारत एक कल्याणकारी राज्य, ये भी सही है, तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आप सबके सामने है, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीतिशक तत्वों के अध्याय में, या फिर मूल अधिकार, राज्य के नीतिशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, तो इन तीनों अध्यायों में भारतीय संविधान के प्रस्तावना के जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार में की गई है, डीपीएसपी में की गई है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में की गई है, तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, लोअर के एग्जाम में पूछा गया है, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीतिशक तत्व, संसद, तो जो संविधान की प्रस्तावना है वही भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। कभी सवाल पूछे कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कौन करता है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, पढ़िए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, लोअर के एग्जाम पूछा गया 15-16 में, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, कल्याणकारी राज्य, तो ये भारतीय संविधान का दर्शन है, ठीक है, समाजवादी राज्य की भी हमने चर्चा किया है, राजनीतिक समानता की भी, लेकिन भारत के संविधान में कहीं पे भी साम्यवादी राज्य की चर्चा नहीं की गई है, तो क्या नहीं है? कहीं पे भी साम्यवादी राज्य की चर्चा नहीं की गई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया, तो अभी हमने लिखा था इंडिया डेट इज भारत, ठीक है, किस नाम से किया गया, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, तो किस किस नाम का उल्लेख किया गया, एक तो भारत का और दूसरा इंडिया का, तो भारत तथा इंडिया का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में किया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 आप सबके सामने है, सवाल नंबर 40 कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता, तो बिल्कुल सही बात है। सवाल ये पूछ रहा है आपसे, कथन दिया है कि सामाजिक,
आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता, मतलब ये आरक्षण की बात कर रहा है कि क्या संविधान ऐसा कर सकता, तो हाँ कर सकता है। इसके अलावा रीजन दिया है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो कथन और कारण दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, लास्ट सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। उत्तराखंड यूडीएलडी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, यह सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है, जनता है, संविधान है, संसद है या फिर राष्ट्रपति है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, यही तो स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, ठीक है। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है, भारत की जनता, क्या है, भारत की जनता, ठीक है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन हो जाएगा, जनता, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमने पढ़ के कंप्लीट कर लिया है, इसके आगे जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। हम लोग 5 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, तो आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, हर जगह पे इस क्लास को शेयर कर दीजिए, दनादन शेयर कर दीजिए, आग लग जाए कि YCTC का यूट्यूब चैनल बहुत ही उम्दा तरीके से काम कर रहा है, आपको सारे के सारे क्विज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।